गुड मॉर्निंग अगेन बेटा। अभी आपने इसे फर्स्ट जो वीडियो देखा उसमें आपने डायरेक्शन बताई ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, डायरेक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसे पढ़ने से पहले आपने जो पहले वाला वीडियो है स्टेट कंडक्टर वाला उसको दिमाग में लाइए, अगर किसी के दिमाग से स्किप हो गया तो उसे वापस देखिए, जब वो दिमाग में आ जाएगा तो तब इसकी आप समझ पा जाएंगे। तो आपने देखा स्टेट कंडक्टर के केस में द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिंग सर्कल्स इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। Now in this case we are going to define the direction of magnetic lines of force due to a circular current carrying conductor, है ना। तो it's just like this कि suppose कि ये हमारे पास एक circular conductor है और जहाँ से आपने उसे open रखा हुआ है ताकि हम इसमें current वगैरह insert कर पाएं। तो मान के चलो कि यहाँ पे मैंने सेल या बैटरी लगा दी, as you know बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है, तो इस पार्ट से करंट जाएगा मान के चलिए आई, और वो करंट ऐसे रिवॉल्व करके इस पार्ट से वापस बाहर आएगा। तो ये एक सेंटर है, इस केस में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो बिल्कुल सेंटर से निकलेगी वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, और इसके लेफ्ट साइड से वो आपने थोड़ा सा कर्व बना देना, इसके लेफ्ट साइड से भी आपने कर्व बना देना, जो बिल्कुल जहाँ पे है आपने उसे सर्कल बना देना। और बेसिकली जे वाले है ना, जे वाला भी सर्कल ही बना रहे हैं, एक बिगर सर्कल, और जे वाला भी बेसिकली सर्कल ही बन रहा है ना। लेकिन आप जब डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ऐसे करिए। अब जहाँ पे आपने ये देखना कि ये सर्कल जो इस साइड पे है ना, वो आप देखिए कैसे बना, वो इस तरीके से बन रहा है ऐसे, तो वो तो एंटी क्लाक ए सी डब्ल्यू हो गया, एंटी क्लाक वाइज हो गया। लेकिन इस साइड पे जो सर्कल बन रहा है ना, वो आप देख रहे हैं वो ऐसे बना, इट मीन्स इस साइड पे क्लॉकवाइज सर्कल हो गया। तो एक चीज़ या एक डिफरेंस आपने देखा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर इन केस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर, है ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दे हैव कर्वेचर्स, दे आर सर्कल्स क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये चीज़ जो है पहले वाले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में नहीं था, वहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में सर्कल्स थे, जिस कंडक्टर में सर्कल क्लॉकवाइज थे पूरे के पूरे सर्कल क्लॉकवाइज थे, या सर्कल एंटी क्लॉकवाइज थे पूरे के पूरे सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन इस केस में हमारे पास आप देख रहे हैं सेंटर से जो पास हो रहा है वो स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो टेढ़ी नहीं हो रही है, और कुछ कर्व भी बन रहे हैं, है ना। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने सर्कल भी ड्रा किए हुए हैं इस साइड पे एक एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड पे क्लॉकवाइज। मैं थोड़ा सा और बड़ी डायग्राम करके बताता हूँ, मान के चलिए कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है, जैसे ये एरो है इस तरफ, एरो मैं जहाँ रखता हूँ, ये एरो ऊपर की तरफ है, जहाँ पे एरो मैं ऐसे रखता हूँ, अगर हम उनको ऐसे मिला देते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, है ना। इट मीन्स जे वाला एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे एंड को हम चले जाएं तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं उनमें डायरेक्शन ऑफ ऐसे देख रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यही एरो मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लिखता हूँ और उनको मैं ऐसे मिला देता हूँ, तो इट मीन्स साउथ पोल। तो क्या देखा आपने कि ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर जो है उसका नॉर्थ पोल भी है, उसका साउथ पोल भी है। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम क्या बोलेंगे, अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर जो है एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि मैग्नेट भी एक नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, एक साउथ पोल होता है,
लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि ये हमारे पास मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये परमानेंट इस साइड पे जो नॉर्थ पोल है ना, उस पे वो मैं मार्क कर देता हूँ, मान के चलिए कि ब्लैक ऐसे और ये साउथ पोल। फिर आप उसे जब भी फेंक दें, जैसे मर्जी डायरेक्शन में छोड़ें, मैं बोलूँगा उसका नॉर्थ पोल बताइए, तो आप उस कलर को देख के बता देंगे कि ये नॉर्थ पोल है। मैं उसे इसके बजाय ऐसा रखने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, है ना। जैसे ये पेन है मेरे पास, तो इस एंड से लिख रहा है जो एंड मैंने नीचे की तरफ रखा है। दिस डजंट मीन कि मैं अगर इस एंड को नीचे की तरफ रखूंगा तो ये एंड लिखना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। हम इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो एक बार मैग्नेट जो है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आप इधर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, ये बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव इधर कर देता हूँ, नेगेटिव इधर कर देता हूँ, है ना। तो अगर पॉजिटिव इधर कर देता हूँ तो करंट ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। जब ऐसे चलना शुरू हो जाएगा तो जो नॉर्थ पोल इस तरफ था वो नॉर्थ पोल इस तरफ हो जाएगा, और साउथ पोल कॉइल को मैंने जैसे था वैसे ही रखा। तो कॉइल को भी पोजिशन चेंज नहीं भी करके सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज की। करंट की डायरेक्शन चेंज कैसे कर दी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके, जिसके कारण क्या हो गया कि आप जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल, जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल। इट मीन्स एन एंड एस आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, किस केस में, इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के केस में, जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन जो एक बार मैग्नेट से कुछ उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। वो नज़र क्या है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज नहीं कर सकते, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसके मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी इनक्रीज नहीं कर सकते आप। जो है वो मैग्नेट फील्ड उतना ही है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इनक्रीज किया जा सकता है। मान के चलें कि जहां मैं बैटरी को बड़ा कर दूं थोड़ा सा और करंट की स्ट्रेंथ को चेंज कर दूं, तो करंट की जैसे ही वैल्यू करंट की चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे जो मैग्नेट फील्ड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, मैं इस पॉइंट पे इसके सेंटर पे मैग्नेट फील्ड की जो वैल्यू है ना, मैं अगर उसकी बात करूं तो उसकी मैग्नेट फील्ड की वैल्यू जो है ना सेंटर पे, वो बढ़ जाएगी अगर हम करंट को बढ़ा दें। बाकी आप थोड़ा सा ये याद रखें, अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल है उसमें करंट है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला आपने ये याद रखना। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में और सर्कुलर के केस में थोड़ा सा फर्क दिखा आपको, क्या फर्क दिखा, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में जहाँ 2π था नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, न्यूमिनेटर अभी भी वैसे ही है, वहाँ पे भी μ0 I था और स्ट्रेट कंडक्टर में भी यही था, सर्कुलर कंडक्टर में कॉइल के केस में भी यही है। लेकिन डिनोमिनेटर में वहाँ 2π इंटू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर था, जहाँ पे क्या है 2π यहाँ पे एब्सेंट है, इंटू r इज डिस्टेंस ऑफ द, सॉरी डिस्टेंस की जगह पे इस केस में सिंपली बोले r इज रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द लूप, राइट। अब इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, अगर डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन के लिए आप याद रखें, अगर हमारे पास करंट जो है वो कैसे है, देख रहे हैं आप, क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को रख के देख लें, थंब की डायरेक्शन को मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन बोलें, किस तरफ है थंब, ऊपर की तरफ, अपवर्ड में सेंटर में जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इसलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने आपको बोला था डॉट से लिखना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर इसी में करंट जो है क्लॉकवाइज होगा, है ना, तो हमारे पास सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, जिसे मैंने क्रॉस है, क्यों, आप देख लीजिए, क्लॉकवाइज फिंगर्स को रख के थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो आप बोलेंगे इसमें मैग्नेट फील्ड जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, फॉर अ सर्कुलर कंडक्टर, एंड नाउ वन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, कि सपोज दिस इज अ कंडक्टर, है ना, कैरिंग करंट 10 एम्पीयर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 5 cm फ्रॉम दिस कंडक्टर, है ना। तो यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, और इस केस में भी
दिस इज अ सर्कुलर कॉइल एंड दिस इज सेंटर ऑफ द कॉइल एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. सपोज दिस सर्कुलर कॉइल इज कैरिंग करंट 10 एम्पीयर, है ना. तो सिर्फ फर्क इतना है कि करंट क्लॉकवाइज चल रहा है. तो हेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ सेंटर ऑफ द कॉइल. तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, देखते हैं कि पॉइंट तो अब देखो इसमें करंट तो इधर होगा करंट, तो करंट से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट लिया 5 सेंटीमीटर, जहाँ पे 5 सेंटीमीटर सेम करंट है. तो आप इस केस में ज़्यादा फील्ड बननी है, जिस केस में ज़्यादा फील्ड बनेगी, ऑब्वियसली हमारे पास सर्कुलर के केस में ज़्यादा फील्ड बनेगी. कितनी ज़्यादा फील्ड बनेगी, अगर करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पाई टाइम ज़्यादा फील्ड बनेगी. जो हमारे पास ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारे पास पाई टाइम जो है ज़्यादा होगी जो मैग्नेट फील्ड हमारे पास पी पॉइंट पे आएगी. इस चीज़ को भी आप दिमाग में नोट रखें. ये सारी डेरिवेशन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे. फिलहाल तो आपके केस में डेरिवेशन तो है नहीं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले आपके सिलेबस में जरूर है. तो मैं इस केस में पहले निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड. फार्मूला हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr. तो पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ बी पी. म्यू नॉट मैंने बोला, म्यू नॉट की वैल्यू 4π 10⁻⁷. करंट कितना है इसमें, 10 एम्पीयर करंट है. हाँ, 2π डिस्टेंस जो है, देखिए करंट को मैंने एम्पेयर में लिखा है, तो डिस्टेंस को आप एसआई यूनिट में ही लिखेंगे. ये सेंटीमीटर है तो मुझे इसे मीटर करना होगा, तो 5 × 10⁻² कर लेंगे, राइट. अगर मैं इसको अगर निकालना चाहूँ आगे, टू ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, 4 को डिवाइड बाई 2 से किया तो ये हमारे पास 2 बनेगा, और नीचे हमारे पास ये बन जाएगा 5 2 अपॉन 5. ये 10⁻⁷ थी, एक 10⁻⁰ है, और ये भी 10⁻⁰ ऊपर लेके चल जाए, ये भी प्लस हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाई 5. तो 10⁻⁰ को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, 2 + 1 = 3 - 7 + 3 - 4. अब इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं इसे 20 डिवाइड बाई 5 करता हूँ और इसकी पावर को 5 कर देता हूँ. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, 5 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, 10⁻⁴. तो दिस इज टी, टी इज टेस्ला यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. अब इसमें आपने अगर डायरेक्शन बतानी होगी तो आप देख सकते हैं पॉइंट किस तरफ है, इस साइड पे है ना. तो करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ. इधर पॉइंट होता तो अबड़ आती, इधर पॉइंट होता तो दोन बड़ आती. लेकिन याद रखें परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा प्लेन के, है ना. तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेट फील्ड है वो नीचे की तरफ है ना. आप ये भी देख सकते हैं करंट इस साइड से लाइनें ऊपर आ रही हैं और इस साइड से लाइनें नीचे जाएंगी, ये आ गया. अगर मैं इधर निकालना चाहूँ तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको बोला गया था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 टाइम आर. तो मैग्नेट फील्ड एट पॉइंट ओ, म्यू नॉट मीन्स 2π 10⁻⁷. तो करंट इसमें भी मैंने बोला था 10 ही है. 2 डिस्टेंस इधर भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 को आप क्या करेंगे, 5 को आप 10⁻². तो ये हमारे पास बेटर है कि हम इसे ख़त्म नहीं करें. अगर जहाँ 4π का 4π रखें और ये हमारे पास 10⁻⁷, 10⁻⁰, आप ये देख सकते हैं 5 × 2 10 हो गया. जब 10 इज 10⁻⁰ और ये भी ऊपर चला गया 10⁻⁰. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस 4π और 10⁻⁰, देखिए 1 और 1 2 और 5 7 से निकाले ये 2 इतने. अगर मैं आपको बोलूं तो ये हमारे पास 4π 10⁵ टेस्ला. अब देखिए किस तरफ है, क्लॉकवाइज है. फिंगर को जब क्लॉकवाइज रखेंगे तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो जहाँ पे यो डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, है ना. अब मैं थोड़ा सा इसे ऐसे बोलूँगा, म्यू नॉट, इसे पाई को मैं बाहर लेता हूँ, 4 × 10⁵ टेस्ला को अंदर करता हूँ, है ना. तो ये पाई, व्हाट इज दिस, आप देख सकते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो जो ओ पॉइंट पे मैंने स्टार्टिंग में भी एक रिलेशन बता दिया था आपको, वही रिलेशन
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ मीन सेंटर पे कितना निकल रहा है, पाई टाइम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ स्टेट कनेक्टर इतना रहा है। तो इस चीज को आप बड़े आराम से निकाल सकते हो इस टाइप के न्यूमेरिकल को, राइट। तो आप ट्राई करिए इस टाइप के न्यूमेरिकल निकालने का, और सिर्फ सर्कुलर के केस में किस सर्फ होगा और स्टेट कनेक्टर के केस में किस सर्फ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करिए, मैक्सवेल कॉर्क रूल यूज़ करिए, या जिसको आप स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, इन यूज़ को यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और इवन उनकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।